మోడీజీ నాయకత్వం. ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా అవర్ సూపర్ స్టార్ శ్రీ నరేంద్ర మోడీజీ సే మై అనురోధ కర్ రహా హూ ఇస్ విశాల్ సభాకే సంబోధిత్ కర్నే కే లియే. भारत माता की, भारत माता की। मैं मेरा भाषण शुरू करने से पहले ये नन्ही सी गुड़िया भारत माँ का रूप लेके आई है, मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन बेटा, शाबाश। ना कुटुंब सभ्युलारा, आज मुझे तेलंगाना के लोगों को 8,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उपहार देने का सौभाग्य मिला है। एनटीपीसी के आधुनिक पावर प्लांट से तेलंगाना के औद्योगिक विकास को एक नई गति, तेज गति मिलने वाली है। और इस प्लांट में जो बिजली पैदा होगी उसका ज्यादा हिस्सा तेलंगाना को ही मिलेगा, आपको ही मिलेगा। और इससे आपकी ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी। भाइयों बहनों, आपको याद होगा इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने का सौभाग्य मुझे मिला था, और ये मोदी की गारंटी की ताकत देखिए, आज मोदी ही आके उसका उद्घाटन कर रहा है। आज ही रेलवे और हेल्थ के भी कई प्रोजेक्ट्स तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों के चरणों में आज मुझे समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। इनसे तेलंगाना के लोगों के क्रिटिकल केयर की सुविधा मिलेगी और कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। तेलंगाना और तेलंगाना के लोगों के कल्याण के प्रति भाजपा का, बीजेपी का संकल्प लगातार मजबूत हो रहा है। ना कुटुंब सभ्युलारा, आज सबसे पहले मैं निजामाबाद की माताओं, बहनों, बेटियों को धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज यहां इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें स्वागत देने करने, आशीर्वाद देने आई, उससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या होता है। तेलंगाना की मेरी बहनें एक बड़ी क्रांति का हिस्सा बनी है। तेलंगाना की मेरी बहनों ने इतिहास बनाया है। कुछ ही दिन पहले संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो गया है। कांग्रेस और उसके इंडिया अलायंस
ये घमंडिया गठबंधन 30 साल से उसे रोक कर बैठे थे, उनको किसी की परवाह ही नहीं थी, भांति भांति के चालाकियां करते थे, दिखावा करते थे और खेल दूसरा खेलते थे। लेकिन इस बार ये मेरे देश की माताओं बहनों की ताकत देखिए, नारी शक्ति की संगठित ताकत देखिए, ये सारे घमंडिया लोगों को ये संसद के अंदर नारी शक्ति बंधन अधिनियम को मजबूरी से समर्थन करना पड़ा है। ये इसलिए हो पाया क्योंकि तेलंगाना की महिलाओं ने, मेरे देश की माताओं बहनों ने साथ मिलकर वोट की शक्ति से, अपने एक एक वोट से माताओं ने उसके इस बेटे को मजबूत बनाया है, बहनों ने उनके इस भाई को मजबूत बनाया है और माताएं बहने आपने मजबूती दी है, इसलिए मजबूती से ये आपका बेटा काम कर पा रहा है। ना कुटुंब सभ्युलारा, तेलंगाना वो राज्य है जिसने देश के विकास में हमेशा अपना योगदान दिया है। आप भारत की प्रगति के आधार है। तेलंगाना में चारों तरफ टैलेंट ही टैलेंट है। जब दुनिया में इतनी बड़ी कोरोना महामारी आई तो तेलंगाना ने भी वैक्सीन बनाकर पूरी दुनिया में भेजी। तेलंगाना के लोगों में विकास की जो एस्पिरेशन है उसे मैं भली भांति समझ सकता। अभी मैं देख रहा था क्या वाइब्रेंसी थी, क्या ऊर्जा थी, क्या जुनून था। मेरे साथियों आपको 100-100 सलाम। केंद्र सरकार में रहते हुए हम तेलंगाना के लिए जितना कर सकते हैं वो हम लगातार कर रहे हैं। आपको याद होगा ना, हम लोगों ने निजाम की हुकूमत, देश तो आजाद हुआ था लेकिन हमारा ये हैदराबाद और ये सारा इलाका आजाद नहीं हुआ था। निजाम अड़ंगे लगा करके बैठा था कि नहीं बैठा था, बैठा था कि नहीं बैठा था। एक गुजराती बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसने ताकत का परिचय दिया और आपकी आजादी को पक्का कर दिया। आज दूसरा गुजराती बेटा आपकी समृद्धि के लिए आया है, आपके विकास के लिए आया है, आपकी भलाई के लिए आया है। हमने तेलंगाना में नेशनल हाईवे, नई रेल लाइनों, नए अस्पतालों का निर्माण किया है। भाजपा सरकार ने यहां बीआरएस सरकार को
तेलंगाना के विकास के लिए भारी धनराशि भी दी है, लेकिन दुर्भाग्य से बीआरएस ने तेलंगाना के लोगों के लिए भेजा गया जो पैसा भेजा ना, उसमें भी लूट चलाई। लूट सके तो लूट, यही उनका मंत्र है। ना कुटुंब सभ्युलारा, भारत जैसे लोकतंत्र देश में प्रजा का महत्व होना चाहिए, परिवारवादियों का नहीं। और इन्होंने तो लोकतंत्र को लूट तंत्र बना दिया है, प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना दिया है। तेलंगाना के निर्माण के लिए हजारों परिवार संघर्ष करते करते तबाह हो गए, अनेकों नौजवानों ने बलिदान दिया, माताएं बहनों ने मुसीबतें झेली, लेकिन एक परिवार ने सब कुछ कब्जा कर लिया और उन परिवारों को कोई पूछने वाला नहीं है। तेलंगाना में बस एक ही परिवार ने यहां के लाखों परिवारों के सपनों पर कब्जा कर लिया है। वर्तमान तेलंगाना में या तो केसीआर खुद है, या उनके बेटे हैं, या उनकी बेटी है, या उनके भतीजे हैं, या उनके भांजे हैं, या चाहे उनके ससुराल वाले हैं, कोई बचा ही नहीं है। बस यही काम, लूटो। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कैसे आपके एक वोट का उपयोग केवल अपने परिवार को अमीर बनाने में कर रहे हैं? इन लोगों ने तेलंगाना में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। ना कुटुंब सभ्युलारा, परिवारवाद का सबसे बड़ा नुकसान देश के युवा को उठाना पड़ता है। जब पूरा सिस्टम एक परिवार की सेवा में लगा रहता है, तब वो परिवार सिस्टम में टॉप से लेकर बॉटम तक उन्हीं लोगों की भर्ती करता है जो उनके करीबी हो। तेलंगाना के नौजवानों को वो अवसर नहीं मिलता है। फिर किसी भी महत्वपूर्ण पद पर तेलंगाना के तेजस्वी युवा को भी कोई मौका नहीं मिल पाता है। इन लोगों से अलग बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो किसी विशेष परिवार के बजाय सामान्य मानवी और उसके परिवार के लिए काम करती है। ना कुटुंब सभ्युलारा, तेलंगाना के लोगों को ये कांग्रेस से भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये तो बड़े खिलाड़ी हैं, इनको देश समाज कुछ लेना देना ही नहीं है। और पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस को नकार चुका है, नकार चुका है। और आप तो जानते हैं, कांग्रेस जिस राज्य में से एक बार जाती है फिर उसका सरकार में वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसलिए कांग्रेस की कोशिश
किसी भी तरह वोटों का बंटवारा करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है और बीआरएस कांग्रेस को वोटों का बंटवारा कराने के लिए तिजोरी खुली करके बैठ गई है। पर्दे के पीछे खेल चल रहा है, बैकडोर एंट्री, ये बीआरएस और कांग्रेस की भरपूर चल रही है। इसके लिए वो राज्य की अन्य कमजोर पार्टियों को अपना सहारा बना रहे हैं। आज जब तेलंगाना में बीआरएस की हार तय है, बीआरएस का पराजय तय है, बीआरएस का जाना तय है, तो कांग्रेस ने पर्दे के पीछे बीआरएस से गठबंधन कर लिया है। कर्नाटका चुनाव में बीआरएस ने कांग्रेस की जमकर मदद की थी और अब इस चुनाव में कांग्रेस अपना कर्ज उतार रही है, क्योंकि कर्नाटक में भरपूर खजाना, ये तेलंगाना की जनता से लूटा हुआ माल कर्नाटका में कांग्रेस को दे दिया गया ताकि वहां कांग्रेस जीत जाए, फिर उसको मिलकर के तेलंगाना में जिल जाए। ये बीआरएस खेल करती है भाइयों। मैं आज पहली बार एक रहस्य खोलने जा रहा हूं। खोल दो, सच बता दो, बता दो, बता दो भाइयों, पहले कभी नहीं बताया, आज बता देता हूं। और मेरे पत्रकार मित्रों से भी कहता हूं, जांच करवा लेना, शत प्रतिशत सच्चाई बताने आया हूं मैं आज। जब हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी 40-45 सीटें जीत करके आ गई, 48, किसी को बहुमत नहीं मिला। केसीआर को सपोर्ट की जरूरत थी और आपने देखा होगा हैदराबाद कॉरपोरेशन के चुनाव के पहले वो एयरपोर्ट पे पूरी फौज लेकर के मेरा स्वागत करने के लिए आते थे, बढ़िया बढ़िया माला पहनाते थे, बहुत सम्मान करते थे, याद है ना? फिर क्या हुआ भाई, अचानक मंद हो गए? अचानक इतना गुस्सा क्यों निकल रहा है? इसका कारण ये है कि हैदराबाद के चुनाव के बाद, ये भी तारीख चेक कर ले मीडिया वाले, वो दिल्ली मुझे मिलने आए, बहुत बढ़िया मुझे शाल उड़ाई, बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया, इतना प्यार दिखाया, ये केसीआर के कैरेक्टर में ही नहीं है। और फिर मुझे कहने लगे कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। मैंने कहा आगे क्या? बोले हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारी मदद कर दीजिए। मैंने केसीआर को कहा, आपके कारनामे ऐसे है, मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता है। हैदराबाद में हमें विपक्ष में बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे, केसीआर की सरकार हमारे कार्यकर्ताओं पर जुल्म करेगी तो जुल्म सहेंगे, लेकिन हम तेलंगाना की जनता से दगा नहीं कर सकते हैं। भले तेलंगाना की जनता ने हैदराबाद में हमें पूर्ण बहुमत दे दिया,
लेकिन 48 सीट भी तेलंगाना का भाग्य बदलने की शुरुआत है। और मैंने उनसे हर प्रकार से मदद करने का इनकार कर दिया, उनको एनडीए में एंट्री देने से इनकार कर दिया। उसके बाद उनका दिमाग फटका, फिर तो वो भांति भांति से दूर भागने रहे। मैं भ्रष्टाचार के सवाल पूछने लगा, फिर एक बार दोबारा आए, वो मुझे कह रहे हैं कि मोदी जी मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैं सारा कारोबार केटीआर को दे देना चाहता हूं, मैं एक बार केटीआर को भेजूंगा, आप जरा उसको आशीर्वाद दे देना। ये उन्होंने मुझे कहा। मैंने कहा केसीआर, ये लोकतंत्र है, तुम कौन होते हो बेटे को राजगादी दे? तुम राजा महाराजा हो क्या? क्या तुम राजा महाराजा हो क्या? अरे तेलंगाना की जनता तय करेगी किसको बिठाना है किसको नहीं बिठाना है। बस वो दिन आखिरी था, उसके बाद एक बार भी वो मेरे से आंखें नहीं मिला पा रहे, मेरा परछाया भी देखने की हिम्मत नहीं बची उनकी। आप देखा, अभी मैं सरकारी कार्यक्रम करके आया, कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है, इसलिए भाग रहे हैं। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने अब एक नई बात शुरू की है, ये तो मैंने केसीआर का पुराण बताया, अब कांग्रेस ने सत्ता भूख के लिए, सत्ता हथियाने के लिए एक नई भाषा बोलना शुरू किया है, नई बातें बोलना शुरू किया है। आजकल क्या कह रहे हैं, जितनी आबादी उतना हक,